जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है आटा जो है मैदे का ये गूंद लिया है, और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। असल में लाइट भी गई हुई है और अभी शाम का वक्त है, तो पकाते पकाते आराम से बनाऊंगी मैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये आटा तो मैंने अभी गूंद लिया है, क्योंकि प्रोसेस वाइज थोड़ा थोड़ा करके मैं सब काम करती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मर्चेंट नेवी सैयद वकार अली सीमेंट ब्लॉग। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि आज मैं बच्चों के लिए पूरी और कबाब बनाऊंगी, तो अब हमारी ये है कि कबाब का प्रोसेस तो मेरा तकरीबन हो गया है। वो मैं इसलिए अभी फ्राई नहीं करी क्योंकि बच्चा भी ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं, तो ये है। लेकिन मैंने सोचा कि चले पराठे तो बना लूँ, क्योंकि जो छोटी वाली अबिया है ना, उसको भूख बहुत लगती है, तो इस वजह से वो बस आते ही मांगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्द अज जल्द ये पराठे, पूरी पराठे बना लूँ। तो सब कुछ तैयार है, बस ये फ्राई करने हैं, और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे देख के, क्योंकि बच्चों को जब उनकी मनपसंद डिश मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा हम ये कर लें, और मेरे साथ मेरी पार्टनर है, मेरी भतीजी हैं, जो वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रही हैं। तो देखिए अब ये पराठे जो हैं उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि बनाना तो सबको, सबके घर में आता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई काम करें तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये चीज़ें जो हैं मैं इसलिए करती हूँ कि बस मेरे बच्चे खुश रहें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। तो इसलिए आज मैंने कहा कि नहीं, बच्चियों के लिए कुछ डिफरेंट, क्योंकि बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं इनको। तो ये है कि बना रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा, बच्चों को खुश देख के सबको अच्छा लगता है। ये देखेंगे हमने डाल, अच्छा पूरी पराठे का ये होता है कि इसको फ़ौरन ही बस पलट देना चाहिए, फ़ौरन निकालें, वरना ये कड़क हो जाता है। जब कड़क हो जाता है, बाद लोग कड़क पसंद करते हैं, लेकिन ये फिर रोल बनने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये देखिए आप, क्योंकि हमारा ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म था, तो ये ज़रा गोल्डन गोल्डन हो गया है। देखिए आप इसकी शक्ल देखें बिल्कुल, ये देखिए आप दोनों तरफ से देखें इसको, बिल्कुल ये ज़बरदस्त क्रिस्पी सा बन गया है। तो अब हम इसका तेल झाड़ के मैं इसको रखूँगी अपने रोटी के जो हमारा वो है उसके अंदर। अब ये नेक्स्ट भी अप्लाई करते हैं, जब तक ये है कि बच्चियाँ आएंगी तो जब तक ये रेडी हो जाएगा तो वो खुश हो जाएंगी। आज का दिन तो इन्हीं इसी चीज़ की प्रिपरेशन में लग गया, तो उम्मीद है आपको मेरी ये रूटीन, मेरा ये साथ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बच्चों को खुश रखने के लिए नई नई ट्रिक्स एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छा वक्त गुजर जाए। और ख़ास तौर पे बेटियाँ, क्योंकि बेटियों के साथ तो जितना अच्छा वक्त इंसान गुजारे वो अच्छा है, क्योंकि वो तो परदेसी होती है। तो मैं भी अपनी बच्चियों की हर बात सिर्फ इसलिए मानती हूँ कि अरे इन्हें दूसरे घर चले जाना है, और अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो इसलिए बस ये एफर्ट है इन बच्चियों के लिए। ये देखिए आप, ये दूसरा भी मैं डाल रही हूँ। मैं फ़ौरन इसलिए निकाल लेती हूँ, वरना ये बहुत कड़क हो जाएगा, तो जब इसमें बच्चियाँ कबाब रखेंगी तो ये फोल्ड नहीं होगा, इस वजह से। ओ ये देखिए, इसी तरह मुझे माशाल्लाह अच्छे खासे बनाने हैं, तो मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रखती हूँ। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हाउस वाइफ जो सब घर की करता धरता होती है उनकी शुक्रिया। तो अब ये बस पूड़ियाँ तो बन गई हैं, अब ये लास्ट बस कबाब फ्राई हो जाए, तो बस आज का मेरा ये जो टास्क है बच्चों के लिए वो ख़त्म हो जाए। तो अब ये कबाब जो है इनको एक तो, हाँ बिस्मिल्लाह की बरकत, ये हमने कबाब जो है ये शैलो फ्राई करने होते हैं, और ये है कि कबाब पराठों के साथ ये कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं। आज मैंने ये सोचा कि बच्चियों के अंडा मैं इतनी लगाती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कबाब टूट जाते हैं, तो इस वजह से, और अंडे का टेस्ट कबाब में अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा अंडा कबाब के साथ लग जाए। वो आप अंडे वाला बर्गर जब हम खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है कि उसके कबाब के साथ अंडा ऐड होता है। तो अब ये देखें, ये मैंने इनको डाल दिया है कबाब, अभी फ्राई हो रहे हैं कबाब। अब ये जैसे मैं इसको, इसका जो है
साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए हम ये देखें कितने अच्छे ब्राउन गोल्डन से हो गए। अम्मी मेरी हमेशा कहती है कि कबाब को ज़्यादा फ्राई नहीं करा करो, जब वो गोल्डनिश हो जाए तो उसको निकाल लिया करो। अब बस ये एक तरफ से हो गए, ये दूसरी तरफ से भी हो जाए तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये हो गए हैं दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से ये हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बस इसको एक से दो मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाए। रोको, ये देखिए अभी कबाब जो है, आप इनकी शक्ल देखिए बिल्कुल चेंज हो गए। ये देखिए बिल्कुल ये गोल्डन गोल्डन हो गए। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और ये देखिए आप, बस ये इसका ऑयल जो है थोड़ा सा ये है कि झटक जाए। तो ये है कि देखिए आप कितनी अच्छी इनकी शक्ल है, आप ये देखें असल में। हाँ ये देखिए, ये देखिए आप इसकी, आप देख शक्ल देखिए, आप इसकी देखें बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से। ये कबाब जो हैं ये फ्राई हो गए हैं और आज जो बच्चों की फरमाइश थी कबाब परांठे की, वो फाइनली मैंने पूरी कर ली है। और ये है कि देखिए आप, वेरी नाइस, बहुत शक्ल इतनी प्यारी लग रही है, देख रहे हैं जी आप। ओके, देखिए मैंने कबाब और पराठे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं विद ग्रीन चटनी के साथ। और बच्चे आज बहुत एक्साइटेड हैं, वैसे तो बच्चे खाते रहते हैं, ये बनाना तो बहाना था, थोड़ा वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया और बच्चे भी खुश हो गए। तो आज का ये मेरा जो काम था बच्चों का कि कबाब विद पराठा एंड ग्रीन चटनी वो कम्प्लीट हो गया। तो प्लीज़ अपनी बहन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ख़ास तौर पर हाउस वाइफ से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े या लड़के इन सबको तो टाइम मिल जाता है वीडियोस देखने का हर चीज़ का, लेकिन जो है हाउसवाइफ होती हैं उनको टाइम नहीं मिलता। तो ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हाउसवाइफ्स के से कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं आप सबको सपोर्ट करूँगी, हम सब एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करेंगे तभी हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो घर की ख़वातीन हैं, फैमिली में बेसिकली फैमिली मेकर्स तो वही होती है, क्योंकि वो घर को चला रही होती है, वो कुछ कर पाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं अपने हस्बैंड का व्लॉग जब तक चलाती रहूँगी, जब तक उनका जहाज़ किसी पोर्ट पे कन्वीनियंट पोर्ट पे नहीं लग जाता, जब तक मैं चलाती रहूँगी। उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मर्चेंट नेवी सैयद वकार अली सीमेंट ब्लॉग, शुक्रिया। आज मैं आपको अपना नाम बता दूँ, इतने दिनों से आपसे बातचीत चल रही है लेकिन आपको मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आयशा है और आज जो है जैसे वैसे ही डेली बेसिस का रूटीन का डे था, लेकिन आज थोड़ा दिन जो है वो बिज़ी गुजरा, क्योंकि बच्ची आज घर में थी। नबीहा को बहुत तेज़ फीवर है, कफ भी है और उनके जो है बॉडी में बहुत पेन भी हो रहा है, तो आज वो बहुत वीक है, तो टाइम उन्हीं के साथ लग गया। देखे बेचारी बड़ी बीमार डिसहार्ट से लेटी हुई है और इनको तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी से, अभी थोड़ी देर में इनको लेके मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। उसके बाद मुझे एक दो जगह और जाना है काम से, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे अपनी शेयर करूँ बातों को, कि रोज़ कोई ना कोई एक काम होता है जिसमें मेरा सारा दिन जो है गुजर जाता है। अब देखिए इनको फीवर भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा और कफ भी है, और प्लस आजकल वायरल ऐसा पहनावा है कि इनका जो है गला वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस इन्हीं को देख देख के बड़ा दिल वो हो रहा है। अब देखिए इनको इंशाल्लाह थोड़ी देर में लेके डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर एक दो रूटीन के काम भी हैं वो भी करूँगी। तो मैंने कहा आपसे कुछ बात भी करूँ, आपसे भी खैर खैरियत पूछूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अभी कुछ देर में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये कल मैं जो दो ड्रेसेस लाई थी, अब मैं जा रही हूँ इनको टेलर को स्टिच करने देने के लिए, और उसके बाद मैं आऊँगी और आके नबिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। और हमारे नेबर में ही एक पार्लर है, वहाँ से आईब्रो बनवानी है। अभी बड़ी बेटी और छोटी बेटी अभी हाँ ट्यूशन गई हुई हैं, तो छोटी वाली ज़रा तंग करती हैं, तो मैं ज़्यादातर काम जब वो ट्यूशन या स्कूल गई हुई होती है जब करती हूँ। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे बात करती भी चलूँ। अभी मैं घर से निकल रही हूँ बाहर जाने की तरफ, नेबर में ही हमारे बिल्कुल पार्लर है, वहाँ से मैं आईब्रो बनवाऊँगी। ये पार्लर है हमारे बराबर में, मैंने बैल बजाई है अभी इनकी।
कल कहाँ गई हुई थी कक्कू खाना? रात में मेहंदी लेने आए थे, दो दफ़ा थी मिला थी। ठीक है आंटी, गई गई। तो मेहंदी कौन चाहिए? अभी मैंने अभी रखी हुई।